टॉस किसी ने वो नहीं आ रहा बता रही है ना और ये क्या हो सौरभ करने जीता टॉस साइड लेट और ये मेंस डबल्स का मैच शुरू होते हुए देखते रह गए उठा नहीं पाए उस शॉट को और बॉन्ड द्वारा एक बहुत बढ़िया प्लेसमेंट एक और पॉइंट अर्जित करते हुए बॉन्ड और ये कोशिश की रेहलिया ने इसको ड्रॉप देने की लेकिन नेट में ही रह गई बॉन्ड द्वारा बहुत अच्छी सर्विस सौरभ द्वारा प्रयास ड्रॉप मारने का लेकिन सफल नहीं हो पाए और पॉइंट मिला रेहलिया वर्ल्ड्स की टीम को जिसको सौरभ उठा नहीं पाए एक बार पॉइंट एग्जिट करते हुए स्कोर हुआ 7-4 चारों ही खिलाड़ी बहुत अच्छा प्लेसमेंट करते हैं समय से खेलते आ रहे हैं बैडमिंटन का बहुत अच्छा आइडिया चारों खिलाड़ियों ने बॉन्ड ने पीछे प्लेस किया और फिर बहुत अच्छा शॉट बॉक्स वाला पहले उनको खींचकर नेट पर ले गया है फिर जब वो नेट पर आ गए उनको पीछे प्लेसमेंट दिया और शॉट मार सभी खिलाड़ियों द्वारा थर्ड लाइन का प्रयास करते हुए प्लेसमेंट वर्क्स वाला एक और पॉइंट मिला स्कोर बनकर हुआ 10-4 वर्क्स वाला एक अच्छी सर्विस रिलीज चलते हुए और ये शॉट मारा पहले दोनों खिलाड़ियों को ट्रैप किया नेट पर और फिर शॉट मारना काम कर सकती है खिलाड़ी बहुत समझ बुझ कर किए हुए हैं ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट बॉन्ड इसको उठा नहीं पाए और एक और पॉइंट एक्सिट करते हुए स्कोर बढ़कर हुआ 12-4 वक्स वाला सर्विस बहुत ही अच्छी सर्विस नेट पर खेलते हुए नेट पर खिलाते हुए खास बात है वो जो शॉट मारते हैं बहुत ही मुश्किल से प्रतिद्वंदी खिलाड़ी उसको उठा पाते हैं और ये बाहर मारते हुए सौरभ नारंग द्वारा एक और पॉइंट मिलते हुए स्कोर बढ़कर हुआ 14-4
और एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट बॉक्स है। चारों खिलाड़ी बहुत लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, जानते हैं कि बैडमिंटन को कैसे खेला जाता है, कैसे खेला जाता है। बढ़िया शॉट ट्राई करते हुए और एक अच्छी रैली होती हुई चारों खिलाड़ियों द्वारा भरपूर प्रयास करते हुए थर्ड ड्रॉप और एक बहुत बढ़िया पॉइंट कंप्लीट करते हुए रह गया। वही जो मैंने पहले भी ज़्यादा रह दिया कि एक बार जब शॉट मारते हैं तो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले थर्ड पर खिलाते हैं, शॉट कराते हैं, नहीं शॉट का प्रयास करते हुए सौरभ मारन द्वारा लेकिन वो फल रहे। सौरभ नारंगा स्कोर 46 से भी बहुत बढ़िया जबरदस्त शॉट बॉक्स वन सभी दर्शक इनके खेल द्वारा इतने मुक्त हो गए हैं कि वो तालियां बजाना ही भूल गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये चार खिलाड़ी नहीं सभी दर्शक खेल रहे हैं। अरे बहुत अच्छा देश में और पहला सेट वंस और रहेलिया ने बहुत बड़े अंतर 20 हार्ट से जीता। अब देखते हैं सेकंड गेम में क्या होता है। तानिया मैडम मुस्कुराते हुए देखिए, आप उनकी मुस्कुराहट देख सकते हैं। ये मना कर सेकेंड गेम स्टार्ट होते हुए बस ने सही और लेकिन चूके बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर पॉइंट मिला रेडियो टीम करते हुए एक दो पर रहेलिया का ड्रॉप बहुत ही शार्प ड्रॉप था। सौरभ नारंग लंबे होते हुए भी उसको पकड़ नहीं पाए, प्रयास जरूर किया था उन्होंने। इस बार नारंग ने बहुत जबरदस्त एफर्ट मारते हुए लेकिन विफल रहे। सेमीफाइनल में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि खिलाड़ी कभी ये बार समझ नहीं पाता कि उसने मारा कहाँ था और गया कहाँ। लगता है नारंग जी बहुत सेमीफाइनल के प्रेशर में खेलते हुए लगातार दो गलतियाँ करते हुए पीछे इंडिया को फिर से बहुत बढ़िया प्लेसमेंट और नो वत्स वाला बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए वत्स और रेहलिया अपने प्रदर्शन द्वारा इन दोनों ही खिलाड़ियों को बौना साबित करते हुए अपने सामने। एक वन से लीड लेते हुए दोनों खिलाड़ी और एक बहुत अच्छा शॉट रेहलिया द्वारा और स्कोर बढ़कर जो हुआ 9-1। और बहुत ही सुंदर
नंबर प्रयास विद्या बनाओ देखो हम कर सकते होते हुए बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी, आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। हालांकि सौरभ एंड बॉन्ड भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस मैच को कुछ ज़्यादा खेले नहीं, ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की और वो उनकी गेंद पे साफ चलता हुआ। स्कोर बढ़कर हुआ 11-1। स्कोर मतलब बढ़ा, दर्शकों ने भी खूब तालियां बजाई और ऐसा लगता है कि ये मैच एक तरफा होते हुए मेरे ख्याल से ये टीम मैच को छोड़ चुकी है और ये बाहर मारते हुए पूरी तरह से प्रयासों को फॉलो करते हुए रहेगी और बस का कि मुझे लगता है फाइनल मैच होगा इस बहेलिया वर्स अभी और दीपक के बीच है होगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, वो देखने लायक मैच होगा क्योंकि दोनों ही टीमों ने लगातार पूरे वर्स प्रयास किया है कोर्ट के अंदर। और बॉन्ड शायद सो गए थे एकदम से जगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत बढ़िया और ये मैच अपने अंतिम चरण तक पहुंचते हुए सिर्फ जीतने के लिए एक अंक चाहिए। फिर ड्रॉ लेकिन बाहर, स्कोर पहुंचा 3-2। बॉन्ड की सर्विस थर्ड गेंद पर अच्छी रैली होते हुए उठा दिया और एक और पॉइंट जीत गया और गेम पहुंचा जा पहुंचा गेम पॉइंट पर। और ये लास्ट पॉइंट, लेकिन चूके एक अंक और बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 4-4। सौरभ नारायण द्वारा सर्विस, अच्छी सर्विस, उतना ही बढ़िया प्लेसमेंट और एक और पॉइंट द्वारा 5th पॉइंट लेते हुए स्कोर हो जा 5-5। दर्शकों द्वारा अभिनंदन करते हुए इस पॉइंट का। और ये पीछे और बहुत ही आसानी से बहेलिया और बच्चे इस गेम